दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? शायद आपको या बहुत से लोगों को जवाब पता नहीं होगा। दरअसल भारत में जितनी भी ट्रेन होती है, चाहे वह मालगाड़ी हो या सवारी गाड़ी, उन सभी की एवरेज लंबाई 600 से 800 किलोमीटर की होती है। लेकिन क्या आपको यकीन नहीं होगा अगर हम आपको बताएं कि ऐसी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में भी मापी जाती है। एक या दो किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी लंबी ट्रेन से 600 ज़्यादा भी इससे डब्बे मौजूद हैं। सोचने से मैं थोड़ा अजीब लगा रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन के बारे में बताएंगे। इतनी लंबी ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए घंटों का समय लग सकता है। 800 से भी ज़्यादा डब्बे सिर्फ एक ट्रेन के खींचने के लिए, 10 रेलवे इंजन, लाखों टन का इंजन, 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ट्रेन चलती होगी तो उसका नज़ारा कितना भयंकर होगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के सफरों को। और हमारे इस लिस्ट में एक ट्रेन भारत का भी है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है। द रियो इंटो टू रेलवे। ऑस्ट्रिया में एक खदान मौजूद है जिसका नाम रियो टिंटो, और उसी खदान का एक प्राइवेट ट्रेन है जिसका नाम है रियो टिंटो रेलवे। रियो टिंटो रेलवे किसी यात्री को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए ट्रेन को नहीं चलाया जाता है, बल्कि वहाँ की खदान में से जो पदार्थ निकलते हैं वहाँ से एक जगह से निकाल कर दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। रियो टिंटो के रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त रियो टिंटो रेलवे के प्राइवेट के अंदर 200 से भी ज़्यादा डिब्बे इस्तेमाल किए जाते हैं। और हैरान करने वाली बात है कि रियो टिंटो रेलवे अंदर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं हो कि जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर से कम हो। यदि वह रियो टिंटो रेलवे ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी प्राइवेट रेलवे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खदान में से निकले हुए सामानों को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए किया जाता है। खैर, ये तो हो गई 2 किलोमीटर वाली ट्रेन की बात। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस ट्रेन के बारे में हम बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट आयरन यू ट्रेन। दोस्तों, यही लंबी ट्रेन कहीं और की नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया में पाई जाती है, जिसका नाम है बुलेट ट्रिटो ट्रेन। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई 7.002 किलोमीटर है, यानी 7 किलोमीटर और 200 मीटर है। अगर भारत में चलाने वाली मालगाड़ी की तुलना की जाए तो लगभग 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक बार 8200 टन से ज़्यादा भी सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देती है। और तो और, इतनी लंबी ट्रेन ललटेन कम से कम एक मौजूद डिब्बे 2 डिब्बे होती हैं। पढ़ने पर इन डिब्बों की संख्या 700 से ज़्यादा कर दी जाती है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार नहीं हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रिया में इस लंबी ट्रेन को खोजने के लिए 8 जनरल दोनों डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, और वो भी सबसे मजबूत इंजन लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल।